सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग घुमाना। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइस प्लीज़ मेरे रंग पे मत जाना, मैं बहुत काली होती जा रही हूँ, मुझे पता है। और मेरे बाल भी ऊपर से ख़राब होते जा रहे हैं। मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं चुल्लू और पानी में डूब जाऊँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मुझे जीना है अभी। और इसीलिए तो गाइस सब बातों को छोड़ते हैं और मैं जा रही हूँ आज अपना हेयर कट कराने के लिए, क्योंकि गाइस मेरे बाल लिटरली आपको यकीन नहीं होगा इतने गंदे हो रखे हैं, इतने ख़राब हो गए हैं। क्योंकि मुझे असल में 2 साल हो गए जब मैंने कैरस बुक कराया था, तो उसके बाद मैंने कुछ नहीं कराया। तो उसके बारे में मैं नहीं कराऊँगी बेटा, कटिंग तो ज़रूर कराऊँगी। और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो रही है, तो अब मैं जा रही हूँ कटिंग कराने के लिए। आप देखना, और जैसे मैं उन्हें कटिंग दिखाने वाली हूँ, आई होप कि वो कटिंग ऐसी ही हो जैसी मैं उन्हें दिखाने वाली हूँ। दुआ करना कि मेरे बालों को और सत्यानाश ना हो। तो चलते हैं कटिंग कराने के लिए। गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं निकल रही हूँ, रेडी वेडी में हो गई हूँ। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से मेरठ के लिए, क्योंकि ये मेरठ में भी जाना हो, क्योंकि मेरे खालों की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं उनको देखने के लिए। तबीयत ख़राब है वो हॉस्पिटल में, तो अब हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल में देखने के लिए। फिर उसके बाद दिखाते हैं कहाँ जाती है, मैं दिखा दूँगी आपको। आप कमेंट में बताना कैसी लगेगी। तो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल। हाँ बेटा, तो गाइज हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल। ये है मेरठ का मेडिकल हॉस्पिटल, और अब हम जा रहे हैं अंदर। और यहाँ पे एक छोटी सी कैंटीन भी है जहाँ से मैं लेने आई हूँ पानी की बॉटल। गाइज ये देखो किस चीज़ का बना हुआ है, तो आप सिर्फ बताओ कमेंट करके कितनी अच्छी कलाकारी दिखा रखी है इसमें, मतलब बॉटल दिखा रखी है बॉटल का। तो गाइज मैं आई हूँ अपने मामा की शॉप पर, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे। और ये देखो ये ले रहे लगे गाड़ी के लिए कपड़ा, इसमें मेरा सूट सिल जाएगा। और वो देखो दोनों लगा रहे हैं। मामा बोल रहे कि इसके पैसे तो गए, बोले नहीं मैं नहीं लेने का पैसे, बट ये पैसे मुझे दूंगी अंकल को। और ये सब शॉप पर मुझे किसने बुलाया। और यह है मेरे का घंटा घर। तो गाइज मैं आई हूँ अपनी दादी के घर, और ये है मेरी दादी। अच्छा दादी तुम चलो कुछ बताओ, कुछ बताओ तुम्हारी दादी को। अच्छा बताओ कि ये और ये सेम नहीं है चेहरा? सेम चेहरा है इन दोनों का। और ये सब लेकिन और ये एंटिक पीस भी है। तो अब हम लोग जा रहे हैं गाइस बाल वाल कटाने के लिए, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं इसीलिए, और बहुत धूप हो रही है। बट कोई बात नहीं, धूप में भीड़ भी नहीं मिलेगी, तो बस इसीलिए अब मैं चलती हूँ। और मेरे बाल ना इतने ख़राब हो रहे थे कि मैं क्या बताऊँ, तो मैं कटिंग भी कराऊँगी और हो सके कुछ और भी करा सकती हूँ। फिर हम चलते हैं बस कटाने के लिए। तो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं सलून, और मुझे लगा था कि आज बहुत तो मतलब दोपहर में जा रहे हैं तो कम भीड़ मिलेगी, बट यहाँ पे तो फुल है भाई साहब। यहाँ पे भीड़ इतनी मिलती है, और बड़ी मुश्किल से फिर मेरा नंबर आया, क्योंकि मैंने वो मुझे जानते हैं भैया, इसीलिए मैंने पहले उनसे कॉल कर ली थी, तो इसीलिए मेरा नंबर जल्दी आ गया, थैंक गॉड। और फिर काका भी कराने लगी अपनी कटिंग, मेरे बराबर में काका बैठ गई, और फिर इन भैया ने मेरी कटिंग करी। भाई साहब मुझे पहले तो सोचा था कि यार मेरे बाल कुछ ज़्यादा ही छोटे हो जाएंगे, कुछ ज़्यादा ही छोटे हो जाएंगे, और जब इन्होंने इतने इतने सारे बाल काटे मेरे, मुझे बहुत डर लगा। मैंने कहा यार घर जाऊंगी तो डांट ज़रूर मिलेगी फुप्पो से, क्योंकि फुप्पो मना करती है मुझे बाल कटवाने के लिए, बोलती है कि लंबे बाल अच्छे लगता है। और यहाँ पर काका भी कटिंग करा रही है, बट
फाइनल लुक देख के तो मेरे होश ही उड़ गए थे और आपके भी उड़ने वाले हैं। देखना मैं कितनी प्यारी, लग ही नहीं रहा था कि ये हुमैरा है भाई, मैं लग ही नहीं रही थी कि मैं हुमैरा हूँ। और जब भैया ने मेरा कटिंग करी अच्छे से, वैसे तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि मैंने पहले भी कराई हुई यही कटिंग। और फिर गाइस काका को देखो कितनी प्यारी लग रही है, वाह। गाइस कटिंग तो मेरी हो चुकी है बट अभी स्टेप लगने रह गए हैं, अभी इनमें थोड़ा सा कर लो या वह स्टेप लगेंगे, फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि कैसे हो रहा है। और अभी मम्मी भी कराएगी अपनी कटिंग, काका भी रोगे, काका कितनी प्यारी लग रही है वाह। और ये भैया फर्स्ट आ गया मेरे बालों में। गाइस यहाँ पे तो मेरे हेयर कर्ल हो रहे हैं और पीछे देखो मम्मी और काका क्या कर रही है, ये बंधन तो प्यार का बंधन। और अब बारी आई है मम्मी के हेयर से कराने की और मम्मी बोल रही है कि चाहे जैसे कटिंग कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गाइस यहाँ पे बैठे बैठे लिटरली आपको यकीन नहीं होगा मेरी गर्दन इतनी दुख गई थी, मेरी हालत ऐसी हो रही थी कि भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं अपने घर भाग जाऊँ। इन भैया ने मतलब इतने रोल 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 कर करके मेरे बालों का सत्यानाश कर दिया था, उफ यार। और फिर इस ड्रायर की भी कमी रह गई थी, फिर ये भैया भी और ये भैया भी दोनों मिलके मुझे इधर से भी खींचे, मुझे गुस्सा आ रहा था। देखो आप देख सकते हो मेरे फेस को, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ आपको, कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है। नहीं नहीं भैया मैं इरिटेट नहीं हूँ, अंकल एक बार थैंक यू फिर से। गाइस फाइनली मेरा इतने देर बैठना सफल हो गया है और मेरे बाल, गाइस ये है मेरा फाइनल। कमेंट करके बता रहा हूँ मैं कैसे। गाइस फाइनली जैसा मैंने सोचा था मेरे बाल ऐसे ही हो गए और मुझे बहुत पसंद आए अपने बाल। मैं हर बार यहीं पे आती हूँ, आप भी यहाँ पे आना ज़रूर। मैं लोकेशन बता दूँगी, यह है बंगाल सलून, तो यहाँ पे ज़रूर आना अगर आप मेरे टाउन में, तो बहुत ही पसंद है यहाँ। ये हर बार मुझे खुशी करके भेजते हैं खुशी। हम लोग आते कुछ खाने के लिए बाहर और मैंने मंगाया है चिकन पराठा, और इन लोगों ने मंगाया चिकन खरीद रहा है यहाँ से देखता भाई लो। तो गाइस हमारे साथ मम्मी नहीं गई थी इसीलिए हम मम्मी को लेके जा रहे हैं कुछ खिलाने के लिए, इसी टाइम तक हमारे साथ रहता ही है। हम लोग जा रहे हैं दोबारा से, मैंने कल दिखाया था साईं वाले के यहाँ पे, वहाँ के मोमोज और चाउमीन बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं, तो आज तक का चाउमीन ट्राई करने वाली है और मैं मोमोज खाऊंगी। हाँ तो बहुत दिनों बाद टेस्ट लेने वाली। तो गाइज हम लोग आए हैं यहाँ पर चाउमीन खाने के लिए क्योंकि साई वाले की दुकान बंद थी, तो इसीलिए हम कहीं और आए हैं। और कूलर के सामने बैठ रही हूँ मैं तो, उसकी हवा एसी भी चल रहा है, सही है वरना बहुत गर्मी हो रही थी। अदिति फ्रेंड जा चुकी है गाइस और मम्मी खा रही है चाउमीन, काका अपनी सैया जी से बात कर रही है और सोनी भैया भी रिकॉर्डिंग और कॉपीराइट ना जाए मेरे व्लॉग में क्योंकि यहाँ पे गाने बज रहे हैं। तो गाइस मेरे मोमो जा चुके हैं, आई लव इट। तो गाइस मोमोज वगैरह खाने के बाद हम लोग जा रहे हैं घर फ्री होके, और देखो यहाँ पे इतनी लेट तक भी दुकान खुल रही है, चलते हैं हम चलो। और ये देखो यहाँ पे खाना बन रहा है। तो गाइज हम आए थे यहाँ पर क्योंकि साई वाली की शॉप बंद थी और बहुत ही अच्छे थे यहाँ पर खाना सब कुछ। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपका व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और जल्दी से 2K करा दो, हमारी 2K फैमिली कम्प्लीट होने वाली है। तो थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए, और जल्दी से 2K करा दो मेरे, बस फिर हम केक कट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।